हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एवोकाडो सैलड। जिसके लिए सबसे पहले हम एक अनियन लेंगे जो कि मैंने पहले से पील करके रखा है। इसको हम बीच में से कट लगाएंगे और इसको सेंटर से निकाल देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसको इस तरह से लंबे लंबे डाइस पतले पतले काट लेंगे। सारे ही अनियंस मैंने कटिंग कर लिए हैं और इसको अच्छे से हम इस तरह से खोल लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें चिल्ड वाटर लेंगे और उस अनियन को उसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा अनियन है उसकी जो पंजेंट स्मेल है वो चली जाएगी और ये इसमें जो एक क्रंचीपन होता है अनियन के अंदर वो बना रहेगा। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे खीरा। इसको हम पहले सेंटर से कट लगाएंगे, उसके बाद हम इसको एक और कट लगाएंगे और इसके सारे ही बीज इस तरह से हम बाहर निकाल देंगे। सारे खीरे के बीज हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसको छोटी छोटी डाइस में कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। सारा ही खीरा मैंने कट करके रख लिया है। अब हम इसको अलग से एक बॉल में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसी तरह से गाजर लेंगे और उसको भी छोटी छोटी डाइस में कट करेंगे। सारी ही गाजर मैंने कट कर ली है। अब हम इसको अलग से एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट टमाटो। टमाटो को भी हम इसी प्रकार छोटे छोटे डाइस में कट करेंगे। इस प्रकार से हम टमाटो को छोटे छोटे डाइस में कट कर लेंगे। अब हम एवोकाडो लेंगे और इसको इस तरह से शार्प कट लगाएंगे और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। स्पून की हेल्प से इसका बीज जो है वो हम अलग कर लेंगे। एवोकाडो के अंदर हम इस तरह से कट लगाएंगे और इसको डाइस की शेप में कट कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले एक स्पून की मदद से इस तरह से हम सारा ही पल्प एवोकाडो का निकाल लेंगे जो कि हमने डाइस में पहले ही काट के रखा है। कुछ इस तरह से इसको अच्छे से हम निकाल लेंगे। सारी ही डाइस जो हैं वो बाहर आ गई हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले इसमें कटा हुआ खीरा जो भी हमने कटिंग करके रखा था वो डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे टमाटो। इसके बाद हम डालेंगे गाजर। इसके बाद अनियंस जो हमने पानी में सोक करके रखे थे इनको निकालेंगे और इस तरह से अनियन डालेंगे। और लास्ट में ये कॉर्न जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके रखे हैं, ये बॉईल किए हुए कॉर्न अब हम इसमें डालेंगे। अब इसको टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें एक लेमन जो है वो स्क्वीज करेंगे। अगर हमें ज़्यादा खट्टा पसंद है तो हम दो लेमन लेके उसको भी स्क्वीज कर सकते हैं।
अब हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे और ब्लैक पेपर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।